तो कैसे हो? आई अब आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। अभी मेरे सामने खड़ी है सिलेरियो टॉप मॉडल 2022 मॉडल। मेरे सामने आप जो गाड़ी देख रहे हो भाई, एक नंबर गाड़ी है। जो पिछली सिलेरियो आती थी वो भी मार्केट में, उसने भी खूब धमाका मचाया, और ये जो सिलेरियो है ये भी भाई खूब धमाका मचा रही है। अभी ये जो वेरिएंट खड़ा है मेरे सामने खड़ा है पेट्रोल वेरिएंट। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की तो गाइस की मिलती है हमें, ये मिल जाता है हमें सबसे टॉप वेरिएंट की। अब देखो तो की हमें इस तरीके की मिलती है। ये गाड़ी होगी बंद और ये गाड़ी होगी हमारी ओपन। तो गाइस सामने जो फ्रंट लुक पे सबसे पहले आप देखते हो ये इस तरीके की आ जाती है हमारी ग्रिल। ग्रिल में हमें सब कुछ ब्लैक मिलता है। एक क्रोम की जो ये फिनिशिंग है, ये हमें क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है इस साइड भी और इस साइड भी। काफी मतलब एक मूछो टाइप बना दिया है इसको। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आ जाता है हमारा मारुति का लोगो, जैसे कि हमने वैगनर में देखा था। वैगनर में गाइस गाड़ी का कंपनी पहले जो देती थी थोड़ा बॉक कर दिया, यहाँ पर शार्पनेस कर दिया है। इसमें अंदर की साइड में यहाँ मिल जाता है, हमें मिल जाती है, हमें इंडिकेटर मिल जाती है। फ्रंट में अगर हम बात करते हैं तो हमें येलो व्हाइट लैंप मिल जाता है। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे में मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि व्हाइट लैंप पे येलो ही है। कुछ इस तरीके का हो जाता है हमारी सिलेरियो टॉप वेरियंट का फ्रंट का लुक। अगर बात करते हैं साइड प्रोफाइल की तो गाइस साइड प्रोफाइल की ओर चलते हैं और मैं आपको साइड प्रोफाइल का इसका कुछ इस तरीके से जाता है हमारा गाड़ी का साइड प्रोफाइल लुक। साइड प्रोफाइल में हम अगर बात करते हैं ओआरवीएम्स की, ओआरवीएम्स में हमें यहाँ पर ही एक इंडिकेटर मिल जाता है। इंडिकेटर के बाद अगर हम बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की, टायर में हमें मिल जाता है अलॉय व्हील मिल जाता है। अलॉय व्हील के बाद हम देखते हैं इसकी टायर प्रोफाइल की बात करते हैं। टायर की बात करते हैं योकोहामा के हमारे टायर है, और टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये हमें पड़ जाते हैं 175/60 R15 इंच के हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। अलॉय व्हील्स की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये आ जाता है हमारा साइड लुक्स। और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो टैंक कैपेसिटी में भी हमें मिल जाती है वही जो हमारी वैगनर में कैपेसिटी है, वही हमें अपनी सिलेरियो में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अंदर के इंटीरियर की, तो अंदर का इंटीरियर दिखाऊंगा मैं गाड़ी को, ये सबसे टॉप वेरियंट है। प्राइस की बात करेंगे पर पहले अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उसका प्राइस। तो ऐसे करते हैं गाड़ी को ओपन और मैं दिखाता हूँ अंदर का आपको इंटीरियर। इंटीरियर में सबसे पहले हम करते हैं डोर ओपन, और डोर के ऊपर देखते हैं हमें एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर हमें जो मिलता है, यहाँ पर हमें पावर विंडो हमारी यहाँ पर नहीं मिलती है। ये पावर विंडो हमें अंदर की साइड मिलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमें यहाँ पर मिल जाता है बॉटल होल्डर मिल जाता है, और उसके अलावा कुछ भी सामान रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अंदर की साइड, अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं। कंट्रोल्स की अगर बात करते हैं कंट्रोल्स हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, कंट्रोल्स हमने काफ़ी डिफरेंट कर दिया मारुति ने। कंट्रोल्स मिलते हैं हमें यहाँ सेंटर में, तो कल चलते हैं सेंटर में और मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हो गई अब यहाँ पर शांति, अब मैं आपको पूरा सिलेरियो का टॉप वेरिएंट का अंदर का इंटीरियर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो भाई एक बढ़िया चीज़ है, यहाँ से करते हैं अपना इंजन देखते हैं यहाँ ओके है, तो यहाँ से करते हैं चालू। एक बार इंजन प्रेस करते हैं तो इंजन यहाँ पर जल जाती है एक लाइट, उसके बाद हम प्रेस करते हैं इसको दोबारा। ओए होए, सबसे पहले तो जब एसी चलता है ये आ जाता है हमारा मारुति का लोगो। एसी चलता है, ओए होए क्या भाई ठंडक, कसम से भाई बहुत ठंडक मिली। अब अगर हम बात करते हैं भाई अंदर की, मतलब काफ़ी मतलब ओके है, स्पेस भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया स्पेस है। मेरे को तो अंदर का सिलेरियो का यार एक चीज़ हो, वैसे कंपनी बनाती तो बढ़िया है, यहाँ पर हमें क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। और बात करें हम यहाँ पर हमारे ये हमारे यहीं से अंदर से एडजस्टेबल है हमारे जो ओआरवीएम्स के कंट्रोल्स हैं। फ्रंट लुक में हम अगर बात करते हैं हमारे क्लस्टर की, तो क्लस्टर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें मिल जाता है आरपीएम मीटर, और आरपीएम के मीटर में यहाँ मिल जाता है हमें स्पीडोमीटर। इसी में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बताता है, उसके बाद यहाँ बताता है गाड़ी चली कितनी है, उसके बाद यहाँ बताता है हमारी एवरेज। तो वह सब चीज़ 12.5 की एवरेज अभी खड़ी हुई दिखा रही है। तो भाई यहाँ हमें दिखा देता है रेंज, काफ़ी मतलब मीटर भी ओके है इसका, ठीक ठाक है। और हम बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग में हमें यहाँ मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स। नीचे की अगर नीचे की बात करें, नीचे में मिल जाते हैं यहाँ फोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और डिस्प्ले की बात करें 7 इंच डिस्प्ले मिल जाती है। अगर हम बात करें एसी की, तो एसी में इन्होंने एक यूनिकनेस दिखाई है, यहाँ पर क्रोम की ग्रिल मिल जाती है हमें साइड में चारों साइड। इधर की बात करते हैं यहाँ पर एयरबैग्स मिल जाते हैं, इसमें हमें यहाँ एयरबैग्स मिल जाते हैं। और कंट्रोल्स की बात करें तो मैंने यहाँ देखा यार यहाँ तो कंट्रोल्स ही नहीं है। फिर इसके जो कंट्रोल्स हैं, इसके कंट्रोल्स हमें मिल गए हैं यहाँ, यहाँ ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, बीच में हमारे 4x4 इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पर विंडो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। और नीचे की बात करते हो नीचे मिल जाते हैं हमें एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पर हमें ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है अगर बात करते हैं तो इसमें मिल जाता है हमें ऑक्स, यहाँ पर हमारा आ जाती है यूएसबी और यहाँ हमारा आ जाता है ऑक्स, ठीक है काफ़ी ओके बना रखे। इसमें भी हमें देखो क्रोम की फिनिशिंग दिखा रखी है इन्होंने बढ़िया, ये हमारा एसी आ जाता है। क्लब बॉक्स की बात करें, क्लब बॉक्स भी काफ़ी ठीक है ओके है। और सीट एडजस्टेबल की बात करते हैं, सीट भी मेरे को काफ़ी ओके लगी, ठीक है ओके है बिल्कुल। यहाँ पर हमें देखा जाए तो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगी है। तो भाई कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारा
सिलेरियो टॉप वेरिएंट का, अंदर का इंटीरियर का फ्रंट लुक। टिकट होल्डर की बात करो गाइस, टिकट होल्डर हमारा खुला हुआ था, ये देखो टिकट होल्डर हमारे, यहाँ हमें ग्लास नहीं मिलता है, यहाँ हमें माइक मिल जाता है, यहाँ पर लाइट मिल जाती है, येलो लाइट मिल जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर हमें ग्लास मिल जाता है। अगर हम हेडरेस्ट की बात करते हैं, हेडरेस्ट जैसे हमें वैगनार में मिलते हैं, हेडरेस्ट इसमें फिटेड मिलते हैं। पीछे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, आगे का स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, अंडर साइज स्पेस है, मेरे को तो ओके लगा बिल्कुल। अब बात करते हैं हम पीछे की, तो चलते हैं पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ जो अंदर पीछे है वो पीछे क्या है। तो वैसे करते हैं वो गेट को बंद और दिखाता हूँ मैं, हमें अगर स्पीकर दिए जाए तो यहाँ पर डोर्स में चारों साइड स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी और पीछे भी हमें मिल जाते हैं स्पीकर। अब चलते हैं पीछे की ओर और अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर हमें यहाँ मिल जाते हैं, उसके बाद चलते हैं पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैसे अब आते हैं हम इसके पीछे की इंटीरियर की ओर, पीछे भी हमें यहाँ कंट्रोल्स नहीं मिलते, इसके कंट्रोल्स हमें बीच में मिलते हैं, नीचे मिल जाता है बॉटल होल्डर। स्पेस की बात करी जाए तो गाइस स्पेस भी मेरे को तो यार काफ़ी मैं बहुत इंप्रेसिव हुआ इसके अंदर के स्पेस से। स्पेस की बात करें तो पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं बैठ के यहाँ से, भाई स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। स्पेस देखा जाए तो स्पेस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ये हमारा याद आ गया स्पेस। अब मिलते हैं हमें यहाँ पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। पीछे आ जाता है हमारा कुछ इस तरह का स्पेस, मेरे को तो स्पेस भाई काफ़ी बढ़िया लगा। पीछे की साइड बात करें पीछे मिल जाती है ट्रे स्पेस, मतलब पांच बंदे इसमें कंफर्टेबल फील, मतलब अंदर थाई है, थाई देख सकते हो मेरी यहाँ तक आ रही है। स्पेस भी यहाँ पर पैर वैर रखने का ओके स्पेस है। ये सबसे टॉप वेरियंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें मिलता क्या क्या है, मेरे को भाई काफ़ी बढ़िया लगा इसका जो टॉप वेरियंट है। प्राइस की बात करेंगे, प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका प्राइस कितना पड़ जाता है। पहले इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ फिर मैं आपको उसका प्राइस। भाई इस तरीके का आ जाता है हमारे यहाँ पर बैक साइड का लुक, बैक साइड में हम देखो तो यहाँ पर हमें मिल जाता है मिरर पे, मिल जाता है वाइपर, यहाँ पर डिसऑर्डर मिल जाता है, यहाँ पर इसमें मिल जाता है हमें, यहाँ पर लैंप मिल जाता है। अगर पीछे की बात करें तो सबसे यहाँ पर यहाँ मिलेगा सिलेरियो, उसका लेकर मिल जाता है मारुति का लोगो। और बैक साइड में अगर बात करें तो हमें अंदर की साइड मिल जाता है लैंप, उसके बाद मिल जाती है हमें इंडिकेटर, यहाँ पर मिल जाती है हमें रिवर्स लैंप। पीछे की साइड नीचे अगर हम बात करते हैं तो नीचे मिलते हैं हमें रिफ्लेक्टर्स, जैसे कि वैगनर में भी मैंने देखा है कि हमें जो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं वो दो मिलते हैं, और ऐसा ही इसमें गाइस टॉप वेरिएंट है सबसे, लेकिन इसमें भी हमें जो मिलते हैं बैक साइड जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी हमें दो ही मिलते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस दिखाता हूँ, बूट स्पेस कितना है गाड़ी के अंदर। सबसे पहले करते हैं बटन को ऑन, तो गाइस हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, 313 लीटर का मिल जाता है हमें अंदर का बूट स्पेस। बूट स्पेस भी ये ट्रे यहाँ पर मिल जाती है हमें, ओके ठीक है। बूट स्पेस भी काफ़ी हैवी है यहाँ से देखा जाए तो बूट स्पेस, मेरे को तो यार बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया लगा। इसमें आराम से आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है हमें गाड़ी के अंदर। और क्या चाहिए, प्राइसिंग की बात करूँगा तो प्राइसिंग में आपको चलते हैं इसके फ्रंट लुक पर, इसके प्राइसिंग बताऊँ कि एक्स शोरूम प्राइस क्या है और जहाँ हम खड़े हैं उस शोरूम के अंदर इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ जाता है। चलो चलते हैं इसके फ्रंट साइड की ओर और मैं आपको प्राइस का बताता हूँ। चल बताओ। अब मेन जो हम गाड़ी की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसके प्राइस के ऊपर। टॉप वेरियंट है पेट्रोल है, अगर हम इसकी बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस की तो गाइस एक्स शोरूम प्राइस हमें यहाँ पड़ जाता है 6,51,000। और हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की तो हम खड़े हैं अभी इस टाइम गुड़गांवा सेक्टर 12 कॉम्पिटेंट में, तो यहाँ पर ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है हमें पड़ जाता है 7,50,000 रुपये, 7,50,000 की पड़ जाती है हमें ऑन रोड प्राइस। काफ़ी बढ़िया है, एक नंबर गाड़ी है। अंदर का मैंने इंटीरियर भी दिखाया, मेरे को यूनिकनेस एक लगी जो इसके पावर विंडो है आगे की पीछे की वो हमें दी गई है बीच में, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट भी ओके है, बूट स्पेस भी मैंने दिखाया, बूट स्पेस भी काफ़ी ओके है। अंदर जो नीचे का और पीछे का जो स्पेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, सीट कवर ओके है, एक नंबर चीज़ है। आप भी आओ उस गाड़ी को देखो और उस गाड़ी को ले जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, दोबारा से कह रहा हूँ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं आपसे एक नए दिन और एक नई गाड़ी के साथ।